नमस्कार। आम स्वतंत्र स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रेसक्रिप्शन को स्वागत करुच्छे मुनिवेदिता। दर्शबंधु शरीर अच्छी माने रोग सुनिश्चित आ रोग अच्छी माने तार प्रतिकार अच्छी से रोग को सठिक समय चिन्ह जाणि बुझी सचेतन होगा जरूरी आउ खास से आपण को जेकोसी रोग सम्बन्धे सचेतन करावाई आमर ही स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रेसक्रिप्शन। दर्शबंधु आजिकाली महिला निकटे सर्भाइकल क्यासर जरायु कर्कट रोग देखा मिलू। जरायुर निम्न भाग को सर्भे कहुए आठ कर्कट हेले सर्भाइकल क्यासर कहुए तेज जदि देखा जाए महिला द्वितीय सर्वाधिक रोग हो सर्भाइकल क्यासर तेज रिपोर्ट अनुजाई भारत में प्रति वर्ष 74,000 महिला मृत्यु सर्भाइकल क्यासर जो होता तेज आसतु जाना यह सर्भाइकल क्यासर कौन केमी जानवे आप सर्भाइकल क्यासर द्वारा पीड़ित कि नुहे कौन रही यार चिकित्सा पद्धति सबको नहीं आलोचना करिबा आलोचना पई आज आम सह स्टूडियो उपस्थित अछंती आमरी हॉस्पिटल जनाशुना कंसल्टेंट तथा गायनोकोलोजिस्ट डॉक्टर शिवानी देवी। मैडम स्वागत करूछी आपनको प्रेस्क्रिप्शन को। मैडम केमती अछंती? भलो। ओके आते मैडम आज गोटे स्पेशल डे रे आपन स्पेशल अतिथि। थैंक यू। ओके आते मैडम आज आम टॉपिक रखी सर्वाइकल क्यासर जो फास्ट क्वेश्चन रहा सर्वाइकल क्यासर विशेषकर आम जो जाना जरायु क्यासर कौन यूट्रस जो अच्छे आम गर्भाशय गर्भाशय तल पोर्सन टाइम सर्भिक्स कहू सर्भिक्स क्यासर होती सर्वाइकल क्यासर कहू गर्भाशय क्यासर अलग जोटा कि एंडोमेट्रियल क्यासर कहती कि जो यूट्रस मुह पाखा अच्छी सर्भिक्स जो थ्रू रे छुआ जन्म हुए से पोर्सन टाक सर्भिक्स कहते से क्यासर है सर्वाइकल क्यासर कहुए। अच्छा तुम्हें मैडम विशेषकर कारण सब कौन रही सर्वाइकल क्यासर कहीं चान्सेस अधिका रोचे विशेषकर महिला क्षेत्र में महिला मान सर्वाइकल क्यासर होगा चान्सेस यहीपाई अधिक कारण महिला मैंने सेक्सुअली जो मैंने आक्टिव हूँ तापर ही सर्वाइकल क्यासर होबार चान्सेस अधिक सेक्सुअली आक्टिव हो सारापर फिमेल्स मैंने गोटे बारंबार धर डेलीवरी प्रोसेस रे जाउचंती बारंबार इन्फेक्शन को एक्सपोजर होती गोटे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोली गोटे अच्छी जो थे कि इन्फेक्शन बारंबार होबार चान्सेस अच्छी तेणु इन्फेक्शन बेसी टाइम बॉडी रे रहिले सेटा कैंसर रे कन्वर्ट होबार चान्सेस अच्छी। नेक्स्ट जिनस जो मानकर कि कम बयस बाहागर हो कम बयस सेक्सुअली आक्टिव या मल्टीपल पार्टनर अच्छा से मानकर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन अधिक तेणु से मानक भी कैंसर सर्विक्स होवार चांसेस अधिक स्मोकिंग अच्छी स्मोकिंग इनक्रीजेस कैंसर सर्विक्स चांसेस अधिक इनक्रीज कर दिए जो मानकर बहुत छुआ मानने चार पांचटा छुआ पांच छटा छुआ होती से मानकर भी अधिक चान्स अच्छी सी ए सर्विक्स होवार। ओके तबे मैडम आउ गोटे कथा मते जानिबा जे केमते को स्क्रीनिंग करा जीवो विशेषकर स्क्रीनिंग रो रोल कोन आथे स्क्रीनिंग रो रोल बहुत इम्पोर्टेंट एक कैंसर सर्विक्स रे कारण एक कैंसर सर्विक्स गोटे एत इम्पोर्टेंट कैंसर जोटा कि आम स्क्रीनिंग द्वारा काफी प्रिवेंट करिपरिबा प्लस आम अर्ली स्टेज रे भी डिटेक्ट करिपरिबा। स्क्रीनिंग पई आमर बहुत ही कम टंकार प्रोसीजर जोटा कि पैप्समियर अवेलेबल पैप्समियर एया थाए जे नॉर्मल जमी गायनोकोलोजिकल चेकअप हुए गोटे महिलार गायनी ओपीडी रे ही केवल यूट्रस रो सर्विक्स पाखटा लाइट पके की देखा जाए और सीटी गोटे स्टिक रे तार स्वाब नहीं कि तार स्मियर टा बटा जाए पाथोलोजिस्ट पाखक सी सीटा स्टडी करती जो सर्विक्स पाखे सेल्स गुड़ाक अच्छी तार क्यारेक्टर कौन अच्छी इन्फेक्शन अच्छी कि किसी मेटाप्लेजिया या डिस्प्लेजिया मैंने कैंसरस प्री कैंसरस चेंजेस हो से गुड़ाक आम स्टडी करूँ ताकि आम से अनुसार पेसेंट को कहू कि केते फ्रिक्वेंटली आप करेंगे आउ नेक्स्ट चेकअप केबे करेंगे या पर आम नेक्स्ट कौन ट्रीटमेंट ये जो आस मानने इन्फेक्शन आसूची या डिस्प्लेजिया आसू तार नेक्स्ट ट्रीटमेंट आम कौन करूँ से आम डिटेक्ट करूँ सर्वाइकल कैंसर गोटे एमती जिनस एकदम से सडनली होनी इट विल टेक टाइम मानने शरीर को समय भी दब जे 3-4 इयर्स 7 इयर्स 10 इयर्स गैप दब प्री कैंसर स्टेज रे वी कैन डिटेक्ट थ्रू स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग करिबाटा बहुत ही इंपोर्टेंट आ बहुत बड़ा रोल भी रहउ छी स्क्रीनिंग रा। ओके मैडम हम सतो जने कॉलर जोड़ी छन तंका कॉल टी नै जिबा। हेलो हेलो आ गया से की कोथले कोड कोथले आ गया हेलो आ गया की कोथले कोड कोथले मु राउरकेला रो कोउ छी मनोरंजन मिश्रा आ गया मनोरंजन बाबू कोन तू कोन प्रश्न रहै छी
କିଛି ଦିନ ଯେ ଏମିତି ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ହଉଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ତାକୁ କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର କି? ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡିସଚାର୍ଜଟା ଯଦି କିଛି ମାନେ ଫାଉଲ୍ ସ୍ମେଲିଂ ହେଉନଥିବ, ବେଶୀ ଗନ୍ଧ ହେଉନଥିବ, କି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଧର ଇଚିଂ ହେଉଛି, କି ଡିସଚାର୍ଜ ସହିତ ଟିକେ ବ୍ଲଡ୍ ମିକ୍ସ ଡିସଚାର୍ଜ ଆସୁଛି, କି ସବୁବେଳେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡିସଚାର୍ଜଟା ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, କି ଆପଣ ରିଲେସନ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ରିଲେସନ୍ ବନେଇଲା ବେଳକୁ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଉଛି, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କି ପଏଣ୍ଟ ହେବା କଥା ଯେ ଆମେ ଯାଇକି ଡକ୍ଟର ଚେକଅପ୍ କରିବା କଥା। ଯଦି ପୁରା ମେନ୍ସଟ୍ରୁଆଲ୍ ସାଇକେଲରେ ଯେଉଁ ଫର୍ଟିଲିଟି ଟାଇମ୍ ଅଛି, 3-4 ଡେଜ୍ ମଝିରେ ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ବାକି ଟାଇମ୍ରେ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଟେନସନ୍ ନେବାର କୌଣସି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଭଳି ହେଉଛି ଯେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, କି ବହୁତ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି, ୟା ପୁରା ମାସ ସାରା ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ହେଇକି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେକଅପ୍ କରାଇବା ଦରକାର। ଓକେ, ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁ କଲର୍ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ପାଇଥିବେ। ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ବିଶେଷ କରି ସାଧାରଣ ମହିଳାଟିଏ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ବିଶେଷ କରି ସେ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ପୀଡ଼ିତ? କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ସଡନ୍ ଜଣାପଡ଼ିବନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ନର୍ମାଲ ଆପଣ ଯେଉଁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ, ଯଦି ସେ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଜଣେ ସଡନ୍ ଜାଣିପାରିବନି, ତେବେ କେମିତି ହଠାତ୍ ଜାଣିବ ଯେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆର କ'ଣ ରହିଛି? ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେ କେଉଁ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ସର୍ଭିକ୍ସ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଏଜ୍ ଅଛି ଆଫ୍ଟର 35 ଇୟର୍ସ, ମୋର ଓଭର 41 ଇୟର୍ସ ଟୁ 65 ଏଜ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ହାଇ ରିସ୍କ, କି ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ କ୍ୟାନ୍ସର ସର୍ଭିକ୍ସଟା ଡିଟେକ୍ଟ ହୁଏ। ତ ପେସେଣ୍ଟ ତ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ମୋତେ କ୍ୟାନ୍ସର ସର୍ଭିକ୍ସ ହେଇଛି, ବଟ୍ ତାକୁ ସିମ୍ପଟମ୍ ସବୁ କି ଯେ ମେନ୍ସଟ୍ରୁଆଲ୍ ଇରେଗୁଲାରିଟିଜ୍ ହେଇଯିବ। ମାନେ କେଉଁ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କଥା କହୁଥିଲେ, କେଉଁ ଏଜ୍ରୁ କେଉଁ ଏଜ୍ କଥା ଭିତରେ? 41-65 ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହେଉଛି। ତାପରେ ହେଲା ଯେ ତାକୁ ମେନ୍ସଟ୍ରୁଆଲ୍ ଇରେଗୁଲାରିଟି ହେବ, ମେନ୍ସ ତ ତା ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟର ମେନ୍ସଟ୍ରୁଆଲ୍ ବ୍ଲିଡିଂ ହେବ, ମଝିରେ ମଝିରେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଉଛି, ୟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ବେଳକୁ ବ୍ଲିଡିଂଟା ଅଧିକ ହେଉଛି, ୟା ବହୁତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଉଛି, କି ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ୟା ବହୁତ ଗନ୍ଧିଆ ବ୍ରାଉନିସ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଉଛି, କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ବି, ଆଉ କେତେବେଳେ ବି ତଳ ଜାଗା ବହୁତ ପେନ୍ଫୁଲ୍ ରହୁଛି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ହି ଅର୍ଲି ସାଇନ୍ସ କି ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ବଡିରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲାଣି, ଆଣ୍ଡ ଆମକୁ ଗାଇନି ଚେକଅପ୍ କରିବା ଦରକାର କି ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଗାଇନିକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳପଟୁ ଚେକଅପ୍ କରିକି, କି କିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ନାହିଁ କିଛି ମାନେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି, ୟା କିଛି ବ୍ଲିଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ପ୍ୟାପ୍ସମିୟର ବି ନେଇପାରନ୍ତି, ୟା କିଛି ବାୟୋପ୍ସି କରିକି ସେ ବାୟୋପ୍ସିର ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ହଁ କ୍ୟାନ୍ସର ସର୍ଭିକ୍ସ ଅଛି କି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ, ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି? ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ ରହିଛି? ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏହା ହେଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ସେକ୍ସୁଆଲି ଆକ୍ଟିଭ ହେଉଛେ, ମାନେ ବିଫୋର 19 ଇୟର୍ସ ସେକ୍ସୁଆଲି ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଛନ୍ତି, ୟା ଆମର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ପାର୍ଟନର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ୟା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଅଧିକ ରିସ୍କ ଅଛି, ୟା ସ୍ମୋକିଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରିସ୍କ ଅଛି ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ସର୍ଭିକ୍ସ ଅଧିକ କରିଦିଏ ସେମାନଙ୍କୁ, ପ୍ଲସ୍ ଏ କି ବହୁତ ମାନେ ଛୁଆ ପିଲା ବି ମତଲବ 4-5 ଏମିତି କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ରିସ୍କ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ସର୍ଭିକ୍ସର ଟିୟର୍ ହେଇକି ବାରମ୍ବାର ଟିୟର୍ ହେଇକି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଜାଗାଟା ଏତେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋନ୍ ହେଇଯାଏ ଯେ ସେଠି କ୍ୟାନ୍ସର ସର୍ଭିକ୍ସ ହେଇଯାଏ। ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏଚ୍ ଆଇ ଭି ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର ପୁଅର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ବି ଡେଭଲପ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବିଳମ୍ବରେ ହଠାତ୍ ଯେମିତି ଜଣେ ଜାଣିପାରିଲାନି, ଯେମିତି ଆପଣ ସବୁ ଯେଉଁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କଥା କହୁଥିଲେ, ନର୍ମାଲ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେନି, ନର୍ମାଲ ଭାବିକି ନର୍ମାଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେଉଥିବେ, ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଡେରି ହୁଏ ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ସାଂଘାତିକ ହେଇପାରେ? ଡେରି ହେଲେ ଯେମିତି କ୍ୟାନ୍ସର ସର୍ଭିକ୍ସ ଅଛି, 4 ସ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଥାଉ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଛେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ର ବି ଏ ବି ସି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏ ଭିତରେ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ସର୍ଭିକ୍ସ ସର୍ଜରୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କେବଳ ମାନେ କ୍ୟୋର୍ ହେଇପାରିବ, ତାପରେ ଏତେ କିଛି ମାନେ ରେଡ଼ିଓଥେରାପି ୟା କିମୋଥେରାପି ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ସର୍ଭିକ୍ସଟା ବାହାରର ୟୁଟ୍ରସ୍ ବାହାରର ବି ସବୁ ଅର୍ଗନ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିବ ଷ୍ଟେଜ୍ 3 ଷ୍ଟେଜ୍ 4, ସେତେବେଳେ ଆମର ତାର ପ୍ରୋଗ୍ନୋସିସ୍ ବି କମ୍ ହେଇଯାଏ, ପ୍ଲସ୍ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ରେଟ୍ ବି ଟିକେ କମ୍ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିରେ ହେବା କଥା, କ୍ୟାନ୍ସର ସର୍ଭିକ୍ସ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁନି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ନର୍ମାଲି ସେକ୍ସୁଆଲି ଆକ୍ଟିଭ ହେବାର 1 ଇୟର୍ ଭିତରେ ପ୍ୟାପ୍ସମିୟର କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ୟାପ୍ସମିୟରକୁ ବି ମାନେ ସେଇଥିରେ ଅର୍ଲି ଆପଣ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ୟାପ୍ସମିୟର ଏଭ୍ରି 3 ଇୟର୍ଲି କରେଇବେ, ଏଚ୍ ପି ଭି ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏଇ କ୍ୟାନ୍ସର ସର୍ଭିକ୍ସ ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, ସେଇଟାକୁ ବି ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଚ୍ ପି ଭି DNA ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଏ, ତ ସେଇଟା ବି ଏଭ୍ରି 5 ଇୟର୍ଲି କରେଇବେ। ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିବା ବିଫୋର୍ ଗୋଇଂ ଇନ୍
टु क्यान्सर सर्भिक्स प्री क्यान्सर स्टेज्रे जदि आमे डिटेक्ट करिबा तार प्रोग्नोसिस बहुत भल तेणु तार ट्रिटमेंट हेले परे महिला को बिल्कुल भी असुविधा हुए ना। अच्छा तेज मैडम एक जो आज कहते हैं यह जानवा को चाहेबूँ क्यों महिला क्षेत्र में अधिक चान्सेस रोचे कि कलर जन अच्छा कल टी नहीं पर आम आलोचना करवा। हेलो हेलो आज्ञा किए कहते कौट कहते हिमांशु कहली दिल्ली दिल्ली रु। आज्ञा हिमांशु बाबू कहतु कौन प्रश्न रही। एक्चुअली मैम जो पीरियड टाइम रे कहले ब्लीडिंग बहुत अधिक होची प्लस एटा कहले पीरियड टा 2 मास 3 मास थरे लेखा होची ता पई कोन सेटा कैंसर रो किछि ये या कोन ता पई प्रिकॉशन नवा दरकार। देखु ब्लीडिंग दि तीन मस रहे तो निश्चित भाव में मेन समय ब्लीडिंगटा बेसी हुए कारण यूट्रस लेयर बेसी मोटा हो जाए तेणु दि तीन मसले सेड अफ हम ब्लीडिंगटा अधिक हुए बट से कंडीशन जो मैं दि तीन मस हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी रे यूट्रस लाइनिंग खराब हो जा स्टार्ट हुए तेणु यही जिनसा जी बहुत प्रोलॉन्ग टाइम पर्यंत रहा तो गर्भाशय कैंसर होबार चांसेस जो एंडोमेट्रियल कैंसर यूट्रस कैंसर होबार चांसेस अधिक अच्छी तेणु जो असुविधा हो गए महिला रो मासिक को माने वन मंथली मेन्सेस होबाटा बहुत जरूरी जदि सेटा न होउची ताहले निश्चित भाव रे ट्रीटमेंट करबाटा जरूरी। ओके बहुत बहुत धन्यवाद जो कलर कॉल करते आशा करेंगे उत्तर से पाइबे जिन मैडम आप कहते यूट्रस कैंसर से विशेषकर जानवाक चाहेबू जो यूट्रस कैंसर और सर्वाइकल कैंसर भितर फरक कौन जेबली मु कहली यूट्रसटा पूरा गर्भाशय थाए गर्भाशय मुहटा जोटा एंट्री पॉइंट सेटा को सर्विक्स कहती तो यूट्रस लाइनिंग तीन टा लाइनिंग थाए जो जो यूट्रस कैंसरटा आमर इनर लाइनिंग टू स्टार्ट हुए तो इनर लाइनिंग को आम एंडोमेट्रियम कही था तो एंडोमेट्रियल कैंसरटा पेशेंट को एमती हम जो ब्लीडिंग हो हेवी ब्लीडिंग होबले कलर कहले हेवी ब्लीडिंग हो मेन्सेस बंद हो पोस्ट मेनोपोजल हो गला मानने 50 वर्ष हो गला मेन्सेस बंद किंतु हटा दिने देखला बेलू टी ब्लीडिंग हो दिने बसी बहुत बेसी ब्लीडिंग होगी कि धब्बा जैसे स्पॉटिंग भी हो जा भी बिल्कुल भी भल कथा नुह मैंने मेन्स बर्षे बंद होपर के ब्लीडिंग हो तो आप तुरंत भाव में टेस्टिंग करिया कथा जाए कि जे आपन को यूट्रस या गर्भाशय कैंसर हैनी तो सर्विक्स रो किसी कैंसर है जानी तो एगुडा करो टेस्टिंग करबा बहुत जरूरी। ओके टेस्टिंग करबा नियांती जरूरी एतो मैडम आउ जने कलर अछन तां कॉल टे मध्ये नि जिबा। हेलो 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 आज्ञा मैडम कोन तू के कहतले कोड कहतले मु तालचेर रु कहू छी। आज्ञा कोन तू मैडम कोन प्रश्न रे छी। आज्ञा सरोजिनी मैडम कोन तू सरोजिनी तालचेर कहू। आज्ञा सरोजिनी मैडम सुनी पार्छु कहतु कौन प्रश्न रही। मैडम मोर 2017 रु मेन्सुलेशन बंद हो गया हाँ किंतु बेले बेले नहीं तो मसे दि मस परिस्रा द्वर मु कुंडे आज्ञा। अच्छा हाँ आपण को डायबिटीज अच्छी कि ना डायबिटीज नहीं। डायबिटीज लोक सुगर जेहेतु बॉडी रे टिके अधिक थाए तो सही जगह कुंडेई हेबाटर चांसेस थाए कारण यूरिनरी इन्फेक्शन भी बेसी हुए मैंने मेन्स बंद हो सर जेहेतु आम इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन विड्रो हो जाए से जगह एट्रोफी हो जाए मैंने वजाइनल हेल्थ भी टिके खराब हो जाए से भी कुंडेई हेबार चांसेस अच्छी किंतु एभली नुह जे हाँ नॉर्मल समस्त कुंडे हुए तो मुझे तो घर बसीगले चलो सेमती के नुह या किसी गोटे केमिस्ट शॉप जाए गोटे ऑइंटमेंट लगे कि दबाई देवे सीटा बिल्कुल भी ट्राए करें कारण गोटे वल्वल कैंसर अच्छी जी कि मैंने यही मैंने मेन्स बंद हो सर भी एमती इचिंग हो मैंने बहुत इचिंग होंडिया होमी भाव में भी प्रेजेट करें तेणु आप इग्नोर न करके सिम्टम्स थे चेकअप करदेटा बेस जरूरी। ओके निहांती भाव में चेकअप करवाटा बेस जरूरी कहीं आप जमी कहते समस्ते सीरीयसली नि कि ठीक टाइम रे ट्रीटमेंट कले हे तो बेस बड़ विपद न आनीपे आगामी समय तुम्हें मैडम आउ गोटे कथ जानवाक चाहिए मुझे कहती आम कलर कल टी ने विशेषकर क्यों महिला क्षेत्र में अधिक चान्सेस रोचे
जो मानंकु ए कि जल्दी सेक्सुअली एक्टिव होउछंती या मल्टीपल पार्टनर अछंती या ठीक से हाइजीन मेंटेन करू नाहंती आउ माने मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी बहुत इंपोर्टेंट सही समय रे जदी माने बहुत पुराना कपड़ा यूज करचंती सही जगह रो माने सफा रखू नाहंती तो सही जगह रे इन्फेक्शन बेसी हे सही मानंकु हे जाय प्लस मल्टीपल बर्थ होउची माने 5-6 जण डिलीवरी हलेनी ताले भी सेतरे भी बेसी चांसेस से मानंकु थाए प्लस ए कि जेहेतु मेंस्टा बंद हिसला पर मेनोपॉज हिसला पर भी चांसेस टा अछि जे कैंसर सर्विक्स हे पारे तेनु आपण सब बळे स्क्रीनिंग टा करूथिबे ओके नियांती स्क्रीनिंग करूथिबे किंतु हम सता आउजनी कॉलर मध्ये अछंती तंको कॉल टी नीचिबा हेलो हेलो आज्ञा मैडम कोन्तु के कोतले कोड कोतले मैडम नमस्कार मु आउटलर कोथली तंगा मित्र आज्ञा मैडम कोन्तु कोन प्रश्न रहैछि मैडम मो 35 रे मोर पीरियड बंद हे छि आज्ञा आ तापरे कोन होति मझिरे मझिरे मोर यूटेस पाखरु ओटे छुंची पर जोर मारु छ माने यूटेस पाखे पेट तळ पेट बहुत पेन हो छि आज्ञा केवल सेति के हो छि आ 30 एबे वर्तमान एज आपनकर केते एबे 46 एबे अच्छा एते जल्दी आपनकर मेंस टा बंद हे जाय छि हां मैडम सारन छ हला परे 6 मास पूरे कंटिन्यू गला ता परे छांटा बंद हे गला क्लियर अच्छा तो आपन को जति पेटडा बिंधा हो जे तको माने केमिस्ट शॉप रो मेडिसिन आनी की बिंधा मेडिसिन जमा खांदु नै ओटे अल्ट्रासाउंड आपन को पई जरूरी तो अल्ट्रासाउंड करी के देखिया को पड़िबो जे यूट्रस रे किछ असुविधा अछि की पेट भीतर किछ असुविधा अछि की सेटा चेकअप करबाटा जरूरी अच्छा मैडम आज्ञा ओके बहुत बहुत धन्यवाद जो मैडम कॉल करते से आपन जो एडवाइस देने आशा करश्चय मानवे तेज मैडम आउ गोटे कथ हम जानवाक चाहिए विशेषकर मोटा पड़ा और विशेषकर जो आम देखा पीरियड्स जो अनियमितता रोचे रेगुलर पीरियड्स होनी विशेष जो फैट रही गोटे अधिक चान्सेस रोचे कि निश्चित भाव में मुझे जो कहली जो ओबेसिटी तो निश्चित भाव में सब प्रकार कैंसर को ही प्रोन करिथाय आ ओबेसिटी जो ही एते हार्मोनल इम्बैलेंस हुए जे मेंसेस टा असुविधा माने ठीक टाइम रे केबे भी हुए नाही तेणु मेंस रे ठीक टाइम रे नहले यूट्रस रो लाइनिंग बहुत ठीक हो जाए और ब्लीडिंग बेसी हुए आ ए जिंसटा अधिक दिन पर्यंत रहिले से तार लेयर रे चेंजेस हेबा स्टार्ट हबा आ जो गर्भाशय रो कैंसर हेबार चांसेस अधिक हो जाए अच्छा मैडम विशेषकर केमो रत आवश्यकता पड़े और क्यों स्टेज रे विशेषकर ऑपरेशन आवश्यकता पड़े जो पेशेंट पाई ऑपरेशन आम अर्ली स्टेज रे डिटेक्ट हेले ही ऑपरेशन रे आम क्योर करी पारिबा बट आफ्टर स्टेज 2A/B परे तापरे आमको देखिया को पड़े जे साइज केते अछि मास रो केते जदी मास टा अछि केते साइज अछि ताकू आम आगो रिड्यूस करी की कीमो देबा की रेडियो देबा की आगो कीमो दे की ताकू रिडक्शन करि सल्ला परे ही पुनी ऑपरेशन करबा सेटा डिसीजन अलग प्रकार हुए ओके निश्चय तबे मैडम हम सता आउजने कॉलर मध्ये अछंती हेलो हेलो मैडम आज्ञा मैडम गुड इवनिंग आज्ञा गुड इवनिंग अनुगुंडु कहतले ममता आज्ञा ममता मैडम कहतो हां तोळी पट्टे जो राइट साइड रे पेन रहउछि जो ऑपरेशन हेलाले जो ऑपरेशन करतनी सीएस रिजरिंग करी तो सेही जगह रे राइट साइड रे पेन रहउछि तो कोन सही रहउछि माने आपण को वॉइस केते 41 देखो दो राइट साइड रे पेन होची जदि आपण गायनेई पॉइंट ऑफ व्यू रु जानिया को चाहु चोंदी ताहले निश्चित भाव रे आपण गोटे अल्ट्रासाउंड करके देखि परिबे जे आपणकर जो फैलोपियन ट्यूब ओवरी ये सब ठीक अछि कि नाही बहुत सारा केस अछि एंडोमेट्रियोसिस भली जिंस अछि जथरे कि चॉकलेट सिस्ट बनि जाय ओवरी रे सिस्ट बनि जाउ सेइटा पेनफुल हे थाय केतले केतले अन्य प्रकार रे भी बहुत प्रकार सिस्ट अछि ओवरी रे सेइटा वन साइडेड पेन टाइप रो होई थाए बाकी राइट साइड रो अपर एब्डोमेन की तळ एब्डोमेन रे हेले भी अपेंडिसाइटिस भी हेई पारे तार भी आपण चेकअप करिवे तेनु सेटा आपण देखिले डॉक्टर देखिले ही से ठीक से असेस करि परिवे जे पेटो ऊपर होउची की भीतर होउची कु जागार अल्ट्रासाउंड टा दरकार आपण को आ सेई अनुसार सटिक डायग्नोसिस हेई परिवो आ सटिक ट्रीटमेंट भी हेई परिवो ओके तापर बहुत बहुत धन्यवाद जो मैडम कॉल करते से आंसर निश्चय पाई थे तेरे मैडम आउ गोटे कथा जे विशेषकर किसी एमती वैक्सीन रही कि जहाद्वारा को प्रिवेंट करा जाई पारे सर्वाइकल कैंसर गोटे गोटे बोली कैंसर जोटा को आम वैक्सीन द्वारा प्रिवेंट करी हबो
बहुत बेसी जोटा कि आम वैक्सीन एवं इंडिया दुटा वैक्सीन अवेलेबल सर्वारिक्स वैक्सीन आउ गार्डासिल वैक्सीन तो जो सर्वारिक्स वैक्सीन दुटा एचपीवी स्ट्रेन एगेन्स्ट अच्छी गार्डासिल चारिटा एचपीवी स्ट्रेन एगेन्स्ट अच्छी तो आम जो वैक्सीन अच्छी आफ्टर 9 ईयर ऑफ एज 9 वर्ष ऊपर को छुआ को भी आम दे पार तीन टी डोज थाए 0, 1-2 या 6 मंथ एमती कि तीन टा डोज कवर हो जाए तेणु 9-26 वर्ष भितर देदेले सबुठ मोस्ट इफेक्टिव हुए माने बिफोर सेक्सुअली आक्टिव आपड़ जो वैक्सीन टा नौ तेज़े सबुठ बेसी प्रोटेक्शन मिल दैट डजेंट मीन कि आप नहीं नदी आउ मैंने आपेयर नहांती बाहागर हो बर्तमान कौन करेंगे तेल टिल द एज ऑफ 43-45 वैक्सीन कैन बी गिवन तेणु आप मैंने डेलीवरी पर भी आप डॉक्टर सहित कनसल्ट करेंगे डेलीवरी पर भी जेहेतु ये किल्ड वैक्सीन पर भी मैंने वैक्सीन टाइम नहीं पारे डेलीवरी पर भी नहीं पारे प्रेगनेंसी नहीं तापर भी नहीं पारे ओके गोटे भल परामर्श आप दे प्रेगनेंसी टाइम ना पर नहीं पारे ओके मैडम आम सहित आउ जो कलर अच्छा हेलो हेलो आज्ञा मैडम किए कहते कौन मु कटक रु कहि राजश्री परिडा कहते ओके राजश्री मैडम कहतु कौन प्रश्न रही मैम मु मोर मासिक जो पीरियडा हो डेरी रे होने आज डेट अच्छी तो 9-10 दिन बाद हो तो ये किसी खराबी अच्छी किसी भी आपण को बयस के 17+ माँ ताले आपन को देखा पड़ो कि हार्मोनल इरेगुलर मतलब कमी बेसी अच्छी कि ना अल्ट्रासाउंड रे देखा पड़ो जेनरली ए एज ग्रुप रे पीसीओएस बोली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोली गोटे डिजीजटा हो जाए जोटा कि मेन्सटा मानते डिलेड हो जाए बर्तमान 8-10 दिन हूँ जा दिमास तीन मस एम स्कीप स्टार्ट यही जिनसटा यही एज रे जो ट्रिटमेंटा न करवा से जिते तुम्हें माँ 40 इयर्स या 50 रे पहुंचिबो आउ एमिति माने मेंसेसटा डिलेड होतबो सेई मानको ही आगो को जाई कि कैंसर यूट्रस रो कैंसर हेबार चांसेस अछि तेनु इनिशियली ही ट्रीटमेंट करी कि मंथलीटा ठीक टाइम रे हेबाटा बेसी जरूरी ओके नियंती भाव में डाक्तर परामर्श निश्चय नियंतु आपन जहाँ परामर्श दौले मैडम जमी आप कहते जे विशेषकर डाक्तर परामर्श नियंतु विशेषकर जदि किसी भी एमती सिम्टम्स आसूची तेल विशेषकर कौन सब टेस्टिंग रही है टेस्ट करने परामर्श दिखते जदि भी टेस्ट बारंबार करते वर्ष अर्थात केतेदिन गैप्रे टेस्ट कर दरकार जब टेस्ट बारंबार कर किसी शरीर पर प्रभाव पड़े नहीं तो नहीं टेस्ट बारंबार कले तो कौन सी प्रभाव पड़े नहीं टेस्ट माने केवल एया ही आम जी मेन फोकस आम कैंसर सर्विक्स करुचे टेस्ट माने एया जी नॉर्मल आप गायनी चेकअप करने जातु जोटा कि आपको पैप्समियर स्क्रीनिंग करा जीवो स्क्रीनिंग रे आपन को जी स्क्रीनिंग टा जी नॉर्मल आसला ताले एवरी 3-5 इयरली आम आपको कहूँ कर चली था टिल कि आप 61-62 पर्यंत आप करूँ बोले आदि आप किसी असुविधा आसला किसी सस्पिशियस सेल्स आसला नेक्स्ट आम कल्पोस्कोपी बोली थाए जोटा कि से सर्विक्सटा को बड़ करी कलर्स चेंज कौन अच्छी देखिकी से देखी था कमी तार रेस्पॉन्ड करुच्ची या किसी जो सस्पिशियस देखागला तो आम बायोप्सी नहीं कि तार बायोप्सी रे प्रूफ कर हाँ कैंसर अच्छी कि आउ किसी अच्छी सेटा कर ओके मैडम कम समय अच्छे शेष प्रश्न आपंक रे विशेषकर महिला मानी आपंकर मेसेज कौन रे विशेषकर महिला मैंने केमती सर्वाइकल कैंसर ठार बर्तिक रे केवल मोर गोटे ही मेसेज कि केबे आपणकर जो सिम्टम्स होची केबे भी इग्नोर करंदुनी पाख मौसी को होची तो मते भी एमती है कि बंद हो ब्लीडिंग तो हुए आ बंद हो जाए केबे भी एटा को लाइटली नियंतु नाही केबे भी आपणको मेंस रे किछि भी असुविधा होची कि बेसी डिस्चार्ज होची आपण निश्चित भाव रे गायनी चेकअप करांतु नेक्स्ट जिनस आपण आउ आपणको झियो या पाख पाखरे जे भी अछंती तांको मोटिवेट करंतु कि समस्त सर्वाइकल कैंसर रो जो वैक्सीन अच्छी समस्ते तीन टा डोज निश्चित भाव में कवर करेंगे
ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଟ୍ୟାକେଲ କରିପାରିବା ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଅଛି ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ କମେଇ ପାରିବା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଡମ୍, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ଆମେ ଗତକାଲି କ୍ୟାନ୍ସର ଡେ ମଧ୍ୟ ପାଳିଛନ୍ତି, ଆରି ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି କୋଭିଡ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଲର୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ମ୍ୟାଡମ୍ ଯେମିତି କହିଲେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତେ 3 ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତିକି ରହିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କରି ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ କଲ୍ କରୁଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିହାତି ଭାବରେ କାମରେ ଆସିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅନୁପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ସରି ଆସିଛି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।